हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम निकले हैं घूमने के लिए, क्या नाम है, पूरा महादेव जिला बागपत। काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, फेमस है, और प्राचीन मंदिर भी है पूरा महादेव। जो भी भोले के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, सभी जानते होंगे कि पूरा महादेव की क्या अहमियत है। और जितने भी आसपास के इलाके के लोग हैं, गाज़ियाबाद, मोदी नगर, मेरठ या मुजफ्फरनगर, पूरा महादेव की काफ़ी ज़्यादा महिमा है। सभी लोग अधिकतर सावन में यहीं पर जल चढ़ाना पसंद करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा, जो बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर शिवरात्रि के समय पर, सावन के समय पर। तो चलते हैं आज। मैं भी पहली बार, मेरा पहली बार मौका है, तो वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं हम भी। और तो प्रयास क्या जा ही रहे हैं। और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, यानी कि गर्मी नहीं है कुछ भी। सुबह सुबह जैसे निकले हम, लेकिन मौसम जो है, माहौल जो है, काफ़ी ठंडा है, गर्मी नहीं है किसी भी प्रकार की। तो चलिए पहुँचते हैं मंदिर में, देखते हैं किस प्रकार का है। पहली बार दर्शन करेंगे हम पूरा महादेव बाबा जी का। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे हम और हमारे मित्र की, हमारे साथी की, एक कैब निकल गई थी रास्ते में, तो ये कैब उठा कर हमने इनको दी। काफ़ी ज़्यादा हंसी भरा माहौल था और मज़े में पता भी नहीं चला हम कब पहुँच गए बाबा के द्वार पूरा महादेव। मौसम ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर्दियों में कोहरा पड़ रहा हो, लेकिन कोहरा नहीं है। ये सुबह सुबह का माहौल है, नहर का टाइम है, तो इस तरह का माहौल बन जाता है नहर के, पानी के स्रोत के आसपास। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस गांव में जहां पर है पूरा महादेव जी का मंदिर। और आप साथ देख भी सकते हैं साइड में कि पूरा महादेव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। वहां पर पहुँच कर नहा धोकर या हाथ मुँह धोकर देखते हैं क्या हिसाब है यहाँ का। भीड़ तो काफ़ी दिखाई नहीं दे रही है, वैसे बहुत भीड़ हुआ करती है यहाँ पर। फाइनली दोस्तों, एक घंटे की पूरी मेहनत के साथ और अपने मित्र के साथ हंसी मजाक करते हुए हम पहुंच चुके हैं बाबा के द्वार। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रहे बाबा पूरा महादेव, देख सकते हैं। अब बस इंतजार है जल्दी जल्दी जूते चप्पल उतार के, ऐसे बालों की हालत तो ऐसी होगी जैसे पता नहीं कितने दिन से नहाए ना हो, लेकिन जल्दी से जूते चप्पल उतार के हाथ पैर धो के चलते हैं बाबा के दर्शन करने। और पहली बार आया हूँ, मुझे अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन देखने में, वैसे सुना है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाक होती है, लेकिन कोरोना की वजह से अभी फ़िलहाल यहाँ पर ऐसी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आराम से दर्शन होंगे, प्यारे दर्शन होंगे बाबा के। और चलिए चलते हैं दर्शन करने। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए मंदिर, क्योंकि साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है अभी मंदिर प्रशासन के द्वारा। और देखते हैं क्या है, वैसे जल्दी आ तो गए हैं, लगभग 6 बजे निकल जा। और हम आ चुके हैं यहाँ पर मंदिर में, और मंदिर में अभी साफ सफाई का ही कार्य चल रहा है। इतना जल्दी भी नहीं है वैसे देखने में, लग रहा है जहाँ ही बोले हैं। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर क्या माहौल है। और ये लोग पहले ही पहुँच चुके हैं मंदिर में, बिल्कुल अंदर पहुँच चुके हैं। साफ सफाई मंदिर में, सारा कार्यक्रम पहले से ही व्यवस्थित रूप से। चलिए अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर। ये बैठे हैं पंडित जी, ये हमारे सोहित मित्र, आज इनका जन्मदिवस। जन्मदिवस के मौके पर आज ये बाबा को मनाने आए हैं। आने का प्लान वैसे कल था सोमवार, लेकिन कल बारिश पूरा दिन होती रही, इसलिए कल नहीं आ पाए हम यहाँ पर। ये हमारे मित्र नितिन चौधरी जल भरते हुए। ये हमारे मित्र चौधरी साहब ये जल भर रहे हैं बाबा पे चढ़ाने के लिए। और काफी बड़ा मंदिर है वैसे, एक कहाँ गया वैसे मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि जब यहाँ पर शिव चौदस के दिन, यानी कि सावन में शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया जाता होगा, तो एक भी जगह ऐसी नहीं होगी, जरा सी भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पैर भी रखा जाए, क्योंकि तो बाबा के भक्त काफ़ी ज़्यादा मान्यता के साथ, काफ़ी ज़्यादा भक्ति के साथ यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं। जैसे कि ये हमारे मित्र अभी सोहित यादव जन्मदिवस के दिन बाबा को मना रहे हैं, उनके ऊपर शहद चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, बेलपत्थर, भांग, धतूरा, काफ़ी अच्छे से मनाने का प्रयास कर रहे हैं बाबा को। और इन्हें मनाना भी चाहिए, आखिर ज़्यादा ही शिव भक्त हैं आजकल, ये शिव भक्त हो रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। मंदिर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है, आप शिवलिंग को भी देख सकते हैं, बाबा को देख सकते हैं, पूरा महादेव जी की ये शिवलिंग। यहाँ पर ये धूप दीप जला रहे हैं, फिर चढ़ाएंगे प्रसाद। क्या कर रहे हैं यादव जी, लोग यादव जी काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं हमारे यादव जी। खड़े तो हो जाओ तीनों एक साथ।
चलिए थोड़ा सा घूम लेते हैं मंदिर। मंदिर के पीछे से, आगे से तो हम देख चुके हैं, पीछे से और देख लेते हैं किस प्रकार से और क्या व्यवस्था रहती होगी यहाँ पर जल के टाइम पर, जल चढ़ाने के समय पर क्या व्यवस्था रहती होगी, अच्छे से देखते हैं। सबके देखा देखी करेगा क्या? वैसे मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ पूरा महादेव, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि यहाँ का जो माहौल है एकदम सुकून भरा है। मंदिर का वातावरण और चारों तरफ का वातावरण इस प्रकार का है कि दिल को एकदम सुकून मिलता है, जो अंदर से फीलिंग आती है कि यहीं बैठ जाओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुनियादारी कई टेल लेने, सिर्फ यहाँ बाबा के चरणों में बाबा के पास पास रहें, इसी प्रकार का यहाँ का माहौल है, काफ़ी अच्छा माहौल। ये हमारे मित्र, क्या नाम, अपना नाम बताइए जरा। यादव जी, नाम जी, वैसे इनका नाम है सोहित और आज इनका जन्मदिन है, तो हम इनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद भाई साहब आपको, और माफ़ी चाहते हैं कि हम आपको रात नहीं फ़ोन कर पाए, वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये समझ सकते हैं नहीं बता सकते और काफ़ी बाबा के भोले के काफ़ी भक्त हैं और पिछले 4-5 महीने से काफ़ी ज़्यादा सिवा सिवा कर रहे हैं ये समझ सकते हैं क्यों सिवा सिवा कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे मित्र हैं हमारे ये, इन्हीं की बदौलत आज हमें बाबा की, बाबा के दर्शन हो गए, पूरा महादेव पहली बार आए आज हम। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? हर हर महादेव, जय शंकर की, जय शंकर। ये हमारे चौधरी साहब चलते वक्त, वापसी के वक्त बाबा को प्रणाम करते हुए, आखिरी तो नहीं कहेंगे लेकिन बाबा को प्रणाम करते हुए वापसी, घर वापसी के लिए, दर्शन के बाद चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि आते तो पहले ही हम सीधे दर्शन करने आ गए थे, बस थोड़ा सा प्रसाद लिया और सीधे दर्शन करने आ गए। अब चलते हैं नीचे, बाहर का माहौल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद आप खरीद सकते हैं, यहाँ पर नारियल वाला भी है, भांग धतूरा, वही बाबा को जो पसंद है, जो बाबा को चढ़ता है वही प्रसाद यहाँ पर। अभी कम दुकानें हैं, ज़्यादा हुआ करती हैं वैसे यहाँ पर। ये बाबा शायद थोड़ा जल्दी बैठ गए और यहाँ पर सो रहे हैं, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, बुजुर्ग हैं, नींद आ जाती है। फाइनली दर्शन करने के बाद हमारे शिव भक्त, शिवा भक्त आखिरकार बैठ चुके हैं जय शंकर की। फिलहाल हम भी अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, दर्शन काफ़ी अच्छे हुए बाबा के, तो चलिए चलते हैं घर, चल के तैयारी करते हैं इस वीडियो की एडिटिंग की। चलो जय शंभो। वापस आते वक्त ये बाबा हमें मिले रास्ते में, जिनको कि हमसे लिफ्ट मांग रहे थे, मदद मांग रहे थे, हमने इनकी मदद की और इनको आगे रास्ते में छोड़ा। और फिलहाल आज के इस ब्लॉग में, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरठ से हैं, जिला बागपत मुजफ्फरनगर आसपास के ब्लॉग डालते रहते हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ के आसपास की घूमने फिरने वाली जगह तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कहाँ की वीडियो आप देखना चाहते हैं, कहाँ का ब्लॉग आप देखना चाहते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।